भाई साहब हमारी डोरी लग रही है तब तक हमको उबालना पड़ेगा बिरयानी है नहीं चावल है सॉरी बिरयानी नहीं है देख एसएनडी है एलटीएसएनडी ये क्या होता है ये केमिकल आता है एलटीएसएनडी ये केमिकल आता है जो डोरी पे लगता है और मेटल आ गया भाई इसकी बात अलग है ठीक है क्या ही दिख रहा है सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी दिस इज योर सिराज रफी एक और नई वीडियो के साथ वेलकम टू चैनल सेजु व्लॉग। तो गाइस आप लोग ने कल की वीडियो में देखा हमने परचेस किया था हमारा 24 कैरेट रायपुर मार्केट से जो कोर्ट्स का है भाई इसको मैंने चेक करके ही बताया था कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसकी एक एप्लीकेशन आती है चेको ऐप तो वहाँ से ये चेक हो जाता है ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। और गाइस ये जो होता है 100% गीजा कॉटन से बना होता है तो ये घसने के बाद इसका जो लेवल है ना फिरकी का वो अमेजिंग होता है भाई मतलब सारी फिरकी सारी दोरियों को काट देता है इजीली और चाइनीज मांझे को तो भाई क्या ही इजी काटता है। तो गाइस इस बार कोई भी चाइनीज मांझा यूज करना नहीं है आपको यूज़ करना 100% कॉटन हमारे थ्रेड कोर्ट्स के बहुत सारे आते हैं साकल आते हैं महासाकल आता है 24 कैरेट आता है फिर गेंडा आता है और फिर साकर चेन आता है बहुत सारे अलग अलग टेलर्स आते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हो मार्केट में और भी ब्रांड अवेलेबल है तो जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। लेकिन आज मैं 24 कैरेट को लेके आया हमारे जोहर भाई के गोडाउन पे। यहाँ पे देखो जोहर भाई का जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है पहले जोहर भाई थे हमारे दिल्ली दरवाजे पे लेकिन ये आ चुके हैं हमारे अकबर नगर में मिर्ची मैदान है पूरा। तो भाई काइट देखो कितना बड़ा मार्केट लगा हुआ है काइट का और पीछे भी मार्केट लगा हुआ हमारा काइट का तो ये अकबर नगर मिर्ची मैदान है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और इसको देते हैं भाई जोहर भाई को और बोलेंगे भाई इस पर ट्रिपल कोटिंग ब्लैक कलर करवाना है और जो दोरी बन के आएगी वो मैं अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे देने वाला हूँ बिल्कुल मफत। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लो उसके अंदर सारे रूल्स दिए हुए। तो आ जाओ चलते हैं हमारे जोहर भाई के पास। तो यहाँ पे देख लो गाइस इसका मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुका हूँ और ये वीडियो अभी हम लोग स्पेशल हमारा ब्लैक कलर का मांझा घसवाने वाले तो वीडियो में बने रहना बहुत मज़ा आएगी आज की वीडियो में। भाई मैं मिलाता हूँ हमारे जोहर भाई से कैसे हो बेहतरीन। तो ये बताइए मैंने लेके आया 24 कैरेट ये जो कोर्ट्स के दौरे होते हैं उसकी कुछ तारीफ बताएंगे क्या होते हैं भाई बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ इसका। हाँ तो ये कोर्ट्स का जो है धागा एक नंबर धागा आता है जी और इसमें इसके नाम से डुप्लीकेट भी बहुत निकला हुआ है ना। हाँ। और बहुत बिकता भी है तो उसके लिए ये लोग ने कुछ एप्लीकेशन निकाले हुए मैंने वीडियो में बताया ये लोग कि वो एप्लीकेशन पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसको आज कौन सा कलर करेंगे जोहर भाई? आज मेटेलिक ब्लैक। हाँ। कितने का घसते हैं आप वो 1100 रुपए का है 5000 बार 1100 रुपए का 5000 बार। और गाइस अभी बहुत ज्यादा मैंने वेट किया तकरीबन 2 घंटे वेट करा मैं तब जाके हमारा नंबर आया क्योंकि सारे के सारे इसको क्या कहते हैं ये डोरी है डोरी और ये खंबा क्या होता है खंबे में डोरी लगी हुई है। हाँ तो सारी की सारी भरी हुई थी तो अब हमारी एक खंबा खाली हो गया तो उसके अंदर हमारा मांझा हम लगाएंगे और भाई मेटेलिक कलर करवाएंगे तो देख सकते अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा मेटेलिक कलर बनेगा और माल बनेगा फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का। भाई हमारा अब लगने जा रहा है 24 कैरेट तो जैसे ही लगता है अभी लगाएंगे हमारे इसके अंदर और देखते हैं कैसे लगेगा। तो भाई यहाँ पे जोहर भाई हमारा देख रहे हो दोरा किस तरीके से लगा रहे तो ये हमारा दोरा इस तरीके से लग रहा है अब काफ़ी देर से लगा रहे हैं तो आधा खाली हो चुका है और आधा भर गया है। और देखो भाई अलग अलग कलर के यहाँ पे मांझे रंगे जा रहे हैं ठीक है तो ये सब का जो प्राइस होता है ना वो अलग होता है हमारे मांझे का प्राइस बिल्कुल अलग है हमारा थोड़ा महंगा है ठीक है तो ये देख सकते हो तक हमारा मांझा लग रहा है तब तक हम लोग थोड़ा बहुत खावा लेते हैं क्योंकि अब इसको लगने में तकरीबन 15 मिनट जाएगा फिर उसके बाद इसको घसने में 1 घंटा जाएगा उसके बाद इसको सूखने में 1 घंटा जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 4 और ये हो जाएंगे हमारा शाम का टाइम हो जाएगा मतलब 7-8 बज जाएंगे आज। तो अगर आप लोग कोई भी आ रहा हो यहाँ पे अपना दोरा घसवाने के लिए तो भाई प्लीज़ जल्दी आ जाओ उत्तरायण के टाइम पे मत आना क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगी ना कि आप लोग भाई डोरी कौन सी अच्छी है वो भी नहीं पता चल पाएगा और यहाँ पे माल आपका सही घस रहा है कि नहीं घस रहा है वो भी आप लोग नहीं देख पाओगे तो आप अपनी आँखों के सामने अपना माल घसवा सकते हो।
तो अभी हम लोग देखने जाते हैं हमारा जो मटेरियल बनाएंगे हम लोग ब्लैक कलर का, वो आप लोग देखो और इन वीडियो को एंजॉय करो। भाई साहब हमारी डोरी लग रही है, तब तक हमको उबालना पड़ेगा बिरयानी है नहीं चावल है, सॉरी बिरयानी नहीं है, देख सकते हैं। तो जो हमारा मटेरियल बनेगा डोरी पे कलर लगाने वाला वो विदाउट चावल लगेगा नहीं, तो पहले इसको अच्छे से उबाल लेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद मटेरियल कैसे बनता है। देख सकते हो चावल उबलने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा चावल, अब उसके अंदर ऐड होगा हमारे सारे मसाले। तो ये देख सकते हो व्हाइट कलर का इधर एक मसाला है और यहाँ पे एक केमिकल है, देख सकते हो LTSND है। LTSND ये क्या होता है? ये केमिकल आता है। LTSND ये केमिकल आता है जो डोरी पे लगता है। और यहाँ पे और भी सारे मटेरियल है, अब इसके ऊपर हम लोग चांदी वगैरह लगा के आपको मटेरियल पूरा रेडी करके दिखाते हैं। कब से घस रहे हो आप जोहर भाई? ये मेरे को है ना कम से कम 40 साल हो गए। और सबसे ज्यादा तुमको कौन सा डोरा अच्छा लगा? साकल का ही डोरा अच्छा लगता है, मधुरा कोट्स का। हाँ वही यूज ज्यादा करता हूँ मैं। क्या बात है। तो इससे पहले मैंने जो आपसे घसवाया था वो साकल हट था ना? हाँ साकल। 24 कैरेट कैसा है? 24 कैरेट अच्छा है। हाँ क्या डालेंगे इसमें जोहर भाई? इसमें मेटेलिक डाल रहा हूँ। चांदी? चांदी। लो भाई चांदी आ रही है इसके अंदर, ये देखो। ये मेटल आ गया भाई, इसकी बात अलग है। ठीक है ओके, सब बन रहा है, देख रहे हो गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है क्योंकि ये भाई जितने भी केमिकल इसमें डल रहे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो भाई ये हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हो। और ये हाथ देखो क्या ही दिख रहा है। अभी हमारे साथ है बबलू भाई जो हमारे मांझे के अंदर ट्रिपल कोटिंग करेंगे। तो बबलू भाई कितनी बार करना है मालूम है ना? तीन बार करना है। तो टाइट हो रहा है। अच्छा नहीं तो घसेगा नहीं ना? देखो भाई किस तरीके से बना हुआ है, देखो ये चांदी सारी बाहर निकल के आएगी। तो ये स्पेशल फिरकी हमारे जोहर भाई ने मंगाई है लकड़े की, देख सकते हो। इसके अंदर हमारा मांझा डलेगा 5000 बार का। ठीक है तो ये कितने की फिरकी है छोटे? 100 रुपये की है ना, तो इसमें डालेंगे हम लोग, ले रख देना वहाँ। तो अब हमारा बारी आ गई ये वाला, ये गाइस इसमें हमारा लगेगा, ये हमारा वाला है। तो ध्यान रखने का, कभी भी आप लोग आओ ना तो अपना ध्यान रखना कि आपका दोरा कौन सा है, नहीं तो मिक्स हो जाता है। ऐसे लोग ही ध्यान नहीं रखते, कोई मिक्स होता नहीं है। तो इस तरीके से चाचा एक एक सेपरेट दोरा करके उसके अंदर हमारा ब्लैक मेटालिक लगाएंगे जिस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो मैं देने वाला हूँ हमारे सब्सक्राइबर को गाइस। देख रहे हो किस तरीके से लग रहा है। तो ये हमारा देख रहे हो ब्लैक कलर रेडी हो रहा है, तो ये हमारा ब्लैक कलर है। वाह। तो इस तरीके से अभी इसके ऊपर 3 बार कोटिंग होगी, फिर ये जैसे कोटिंग हो जाएगी वैसे सूख हो जाएगा तुरंत। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से आप अपने अलग अलग कलर से करवा सकते हो, आपको अगर अलग अलग कलर चाहिए तो उसमें भी घसवा सकते हो। तो हमने जो कलर घसवाया वो अभी तक का सबसे महंगा कलर है, उसके अंदर चांदी भी ऐड कर दी गई है मेटालिक। भाई साहब हमारी डोरी लग चुकी है पूरी कम्प्लीट और लगाने में तकरीबन 2 घंटे लगे और यहाँ पे हम लोग ने इंतज़ार किया तकरीबन 1.5 घंटा। तो अगर आप लोग अहमदाबाद में रह रहे हो और आप लोगों को अगर जोहर भाई से मांझा घसवाना हो तो आप लोग भाई जितनी जल्दी हो सके अपना कोट्स का दोरा खरीदो, साकल आर्ट खरीद लो या 24 कैरेट खरीद लो, सारे अलग अलग हैं, आप लोग का जैसा बजट होगा उस तरीके से कोट्स का दोरा खरीद लो, क्योंकि 100% कॉटन आता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी होता है और घसने के बाद उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो डोरा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है घसने के बाद। तो उसके सामने ज़्यादातर कोई भी पतंग या डोरी टिक नहीं पाती है, तो फटाफट आ जाओ, ज़्यादा लेट मत करो। यहाँ का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो आप लोग को पता चलेगा। और गिव अवे के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है कि आप लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो जो ज़्यादा करेगा मेहनत उसको हम लोग ये वाला जो मांझा है वो दे देंगे गिफ्ट में, ठीक है। और भाई अभी बस हमारी ये बारी आ गई है, अभी हम लोग लिपटाने वाले हैं, चरखी के अंदर हमारी पूरी डोरी लपेटी जाएगी, फिर उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। तो भाई साहब अब बारी है हमारे मांझे की लपेटने की। तो जोहर भाई रेडी हो चुके हैं अपनी बंदूक ताने हुए और यहाँ पे हमारी फिरकी लग चुकी है,
तो ये हमारी लकड़ी की फिरकी काफ़ी मजबूत है और ये हमारा डोरा अभी इसमें लगेगा। तो गाइस अब हमारा मांझा लिपटाया जा रहा है, देख लो। लबेड़ो, लबेड़ो। तो ये हमारी दोरी अब थोड़ी सी और बाकी रह गई है। जोहर भाई फुल मेहनत कर रहे, देख लो आप लोग, ठीक है। आराम से, आराम से। तो यहाँ पे भाई हमारी फिरकी पूरी कंप्लीट हो ही गई है। तो ये भैया जो हमारे घस रहे, सर आपका नाम क्या है? तो हमारे भाई का नाम है नवाब खान, जो हमारी फिरकी घस रहे हैं यहाँ पे। तो बस ये हो गई हमारी कंप्लीट भाई। तो ये हो गई हमारी फिरकी बिल्कुल रेडी। क्या बोलते जोहर भाई, क्या है ये चीज़, बताओ लोगों को क्या चीज़ है ये? एक हंगामा मटेरियल है जी, ये जो लेगा उसकी चांदी हो जाएगी। जोरदार डोरा बना है, बहुत जबरदस्त है। इसकी है ना 1100 रुपए घसाई है, 5000 वाले। ये जो घस के दे रहे हो आप, ये जो घस के दे रहे हो, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ भाई। इतनी टाइट घसाई हुई है ना, देख सकते हो गाइस, और काफ़ी ज़बरदस्त फिरकी हो चुकी है हमारी। टोटल 860 रुपये का हमने ये टेलर लिया था और 1100 रुपया घसाई हुई है। 100 रुपये की फिरकी मतलब 1200 रुपया, और 860 मतलब 2060 रुपये की हमारी ये फिरकी हो गई है भाई। भाई 100% कॉटन, कॉट्स का ओरिजिनल टेलर, 24 कैरेट का, चेक किया हुआ उनकी चेको ऐप से, और पूरा का पूरा 5000 बार, और इसकी जो घसाई हुई है वो भी हाथ से हुई है। मतलब अभी के टाइम का अगर पतंग का कोई दीवाना है तो उसके लिए ये गोल्ड है, ठीक है। तो ये गोल्ड, और इतनी महंगी महंगी फिरकी आती है जोहर भाई, तो इससे भी महंगी महंगी फिरकी घसते हैं, तो वो भी मैं कभी इनसे घसवाऊंगा ज़रूर आप लोगों के लिए। तो ये वाली फिरकी देख लो, हमारी फुल रेडी हो गई है। इतना ज़्यादा मांझा इसके अंदर कि भाई आप पूरा उतरान उड़ाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होने वाली, और हर किसी का भाई दोहरा कड़ी आएगा। और एक चीज़ और बताऊंगा गाइस, चाइनीज़ दोरा उड़ाने से अच्छा है भाई चाइनीज़ मत उड़ाओ। इतने अच्छे अच्छे मांझे और इतने अच्छे अच्छे दोरे मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग वो उड़ा सकते हो। तो चाइनीज़ तो यार बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी बैन है। तो आप लोग भी ट्राई करो कि वो मत खरीदो, जोहर भाई से घसवा लो। कोट्स का अपना टेलर खरीद सकते हो, आपके एरिया में भी वहाँ पर भी घसवा सकते हो। तो ये मिर्ची मार्केट के, मिर्ची जो हमारा मैदान है यहाँ पर भी पतंग का मार्केट लगा हुआ है, यहाँ से भी परचेस कर सकते हो। तो गाइस ये वाली वीडियो बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो करना है लाइक, वीडियो करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत लगी। और यहाँ पे सब्सक्राइबर हो तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी आए हुए, कैसे हो? अच्छे हो, देखते हो डेली वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को। जोहर भाई की देखें, लो भाई जोहर भाई की वीडियो देखें। तो चाइनीज डोरी नहीं लेना आपकी भाई, ठीक है, चाइनीज यहीं से लेना, और अपने कोट्स का भी ले लेना, टेलर आता ना कोट्स का, साकल आर्ट, 24 कैरेट, तेजस, ये सब खरीदने का, ये चाइनीज नहीं खरीदने का, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं जी। तो अगर गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को करना लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जाके चेक कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, स्टोरी डाल दिया था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो ये बच्चे लोग शायद देख के आए होंगे। तो बाय, टेक केयर।